Annyeonghaseyo, this is Ramya and welcome back to my channel. So today's video is gonna be super fun and super duper requested. बहुत ज़्यादा ज़मानों से ये request थी. तो मैं सोचा कि ये जब horror series start करी है तो नहीं, अपने सर पे मैं ये पहाड़ भी फोड़ ही देती हूँ. So आज का video होने वाला है calling haunted numbers at 3 AM. और अभी 3 एग्जैक्ट बजी नहीं है, एक आधे मिनट और बची हुई है, बट कॉल लगाते लगाते 3 बज जाएगी. तो बेसिकली मैंने और मेरी बहन ने वेबसाइट में थोड़ा ढूंढा और हमें कुछ क्रीपी नंबर्स मिले हैं और उनकी बैक स्टोरीज भी हैं, तो हम उनमें फ़ोन करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, एक बंदा एक लाइक ज़रूर कर देना, के बिना मत जाना. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को. जो न्यू वीडियोस पोस्ट करते हैं एवरी वीक विचार इज ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे शाम 2 PM. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला जो नंबर है उसकी स्टोरी बता देती हूँ. वो ये है कि ये है एक सदर्न कैलिफोर्निया का कोई नंबर और ये बोलते हैं इस तरीके से कि वेलकम एंड आपको कोई इंसिडेंट रिपोर्ट करना है क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और करना है तो डेट टाइम और इंसिडेंट बताओ, डिस्क्राइब करो. एंड बहुत ही क्रीपी वॉइस में करता है. बट सबसे स्ट्रेंज बात इस स्टोरी में ये है कि ऐसी जिस फाउंडेशन का वो नाम ले रहे हैं वो फाउंडेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और वहां से कॉल कोई कैसे उठा सकता है. राइट, ट्राई करके देखते हैं और पता चल जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं. 9515722602. मेरे थोड़े हाथ पर कांप रहे हैं, बट ठीक है, करा जाए. The dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. మీరు డైల్ చేసిన నంబర్ పని చేయడం లేదు. तो पहला नंबर तो भाई एग्जिस्ट नहीं करता, और ऊपर से बड़ी बात ये सदर्न कैलिफोर्निया का आंध्र प्रदेश में पहुंच गया कैसे. अगला वाला बहुत क्रीपी है, क्यों बता देती हूँ. इस नंबर के हिसाब से ये एक रेड रूम का नंबर है, एंड बाय रेड रूम का अर्बन लेजेंड ये बोलता है कि आप इस नंबर पे अगर फ़ोन करते हैं तो वो आपकी करंट लोकेशन को ट्रैक करके आपको कभी भी आके किडनैप कर लेंगे और आपको उस रेड रूम में ले जाएंगे और वहाँ पे आपको टॉर्चर करके मार देंगे. सुनने में भी डर लग रहा है, बोलने में भी डर लग रहा है, और ये अगर रियल में भी हो गया तो फिर तो इसमें ये और बोलते हैं कि कोई भूतिया आवाज़ में ये बोलेगा कि ऑल इज़ वेल, और साथ ही साथ एक स्पूकी म्यूज़िक बॉक्स बजेगा. और म्यूज़िक बॉक्स सच्ची यार मेरे को बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं, लाइक बहुत क्रीपी. मैं इवन कोई हॉन्टेड सीरियल देख रही मूवी देख रही होती ना, उसमें म्यूज़िक बॉक्स बज जाता है ना, मैं वहीं पर गिर जाती हूँ. बट फिर भी लेट्स ट्राई इट आउट. 4 2 8 0 6 द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ले. अब इंटरनेट में हमें जो नंबर मिले हम वही डायल कर रहे हैं, एंड स्टोरी इनके पीछे बहुत डरावनी है, बट नंबर इतना डरावने नहीं है अभी तक. तो रेड रूम वाले नंबर को दोबारा किया जाए. मैं भी लिटरली आलती पालती मार के बैठी हूँ, मेरे को लगा नंबर नहीं लगेंगे, चलो चिल हो जाते हैं, और उतने में देखा तो एक रिंग चली गई. पर रिंग क्यों जाएगी, मतलब आपको वियर नहीं लग रहा कि भैया पहले रिंग चली गई बट देन उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. बेसिकली इस नंबर पर आप अगर फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि कोई आपको रोता हुआ आदमी फ़ोन उठाएगा, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होगा, और साथ ही साथ कोई बाइनरी कोड में कोई कुछ बोलेगा, और जिसमें उसको अगर सॉल्व करने जाओ तो उस बाइनरी कोड का आंसर आता है डेथ डेथ. एंड साथ ही साथ जो ये आदमी रो रहा है ये ऐसा फील होता है जैसे किसी केज में है, किसी बंद जगह पे है, या कुछ पाइपिंग वाले एरिया में है, गटर लाइन जो होती है उसमें है, स्वेज में, क्योंकि पानी के टप टप की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है. लेट्स ट्राई इट आउट और देखते हैं क्या होता है. यार बहुत ज़्यादा क्रीपी है, कोई आदमी सही में रोता हुआ सुनाई दे दिया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा. 9 7 8 4 3 5 0 1 6 3. कनेक्ट ही नहीं हुआ, खुद से कट रहा है. और सबसे बड़ी बात जो इसका ट्रू कॉलर है वो ये बोल रहा है कि ये नंबर गोस्ट है, पर गोस्ट ने हमारा फोन नहीं उठाया और ऐसे ही कट गया फोन. इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है, रिचार्ज के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा.
मतलब जो गोस्ट वाला जो हमने नंबर मिलाया है उस पे बेसिकली बोल रहे हैं कि भाई इनकमिंग बंद कर रखिए भाई साहब, गोस्ट जी थोड़ा रिचार्ज वगैरह कराना होता है तो जाके इनकमिंग चलती है भाई। हम भूतों से बात करने का ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे देखो उनका इनकमिंग बंद कर रखा है, ऐसे कैसे चलेगा? रिचार्ज नहीं तो कुछ नहीं। आज के जमाने में भूतों के लिए साथ भी बहुत ज्यादा नाइंसाफी चल रही है, सच्ची बता रही हूँ। ओके गाइस, सो नेक्स्ट नंबर बेसिकली के पीछे बहुत ही वियर्ड और बहुत ही क्रीपी अर्बन लेजेंड है। वो ये है कि इस नंबर 1970s के टाइम पे, 70s का जो एरा था उस टाइम पे ये जो नंबर है ये यूज़ किया जाता था टेक्नीशियंस के द्वारा, और वो लोग यूज़ करते थे टू कैच द सिग्नल्स, बिकॉज उस टाइम पे सेलफोन वगैरह तो होते नहीं थे, इधर उधर सिग्नल क्रॉस थ्रू हो रहा है क्या, वो लोग यूज़ करते थे। बट बाय द टाइम ऑफ 1975 ये पता चलता है कि उन्होंने जब ये नंबर डायल करे देखा, पता चलता है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। जब अब उसको उस नंबर पर फ़ोन किया जाता है, कोई भी जब फ़ोन करता है तो उस का कॉल लगता है, और कॉल लगने के बाद औरत बोलती है हेल्प मी सूजी इज डाइंग। अब ये सूजी कौन है और जो ये औरत जो फोन पे बोल रही है वो कौन है, कोई आइडिया नहीं है। करके देखा जाए फोन, मेरे को ऑलरेडी रोंगटे आ रहे हैं सोच के कि किसी औरत ने उठा लिया, फोन लग भी गया ना तो भी मेरे को बहुत ज्यादा डर लगेगा। एक्चुअली नंबर बाद में बता देती हूँ, वो है 2020 2020। क्या गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। इसमें ट्रू कॉलर बता रहा है कि ये यात्रा जीनी का नंबर है, और दूसरा बता रहा है कि बिस्लरी इंटरनेशनल का भी नंबर है। तो पानी वानी चाहिए हो? अरे भाई साहब, हेल्प मी सूजी इज डाइंग, रिलेवेंस देखो, बिस्लरी सूजी इज डाइंग, पानी की आवाज भी आएगी, ये भी था ना। ओके गाइस, तो हमारा बिकेस कोई भी कॉल्स नहीं लग रहे, तो हमने सोचा कि थोड़ा और स्टेप अप किया जाए गेम को, और अब हमने लिए हैं ऐसे नंबर जो कि है कर्स्ड नंबर्स और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं। तो हम अभी लगाने जा रहे हैं थाईलैंड का नंबर, कितनी बार 7 times 9 द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। अब इसको फोन किया जाए, और ये है एशिया का हॉन्टेड नंबर। इसको फोन करने पे वो बोलेगा कि 15 जनों को ये हॉन्टेड नंबर शेयर करो। देखो वो लोग भी अपना ब्रांड चला रहे हैं, शेयर करो नहीं तो मैं तुम्हें आगे मार दूंगा। आज मैंने भूतों से बात करी नहीं, ये आपके द्वारा डायल किए नंबर अभी व्यस्त है। अरे व्यस्त भी बोल दे तो भी सही है, अमान्य है भैया, अमान्य। 666 USA, प्लीज हमें शर्मिंदा मत करना। कुछ भी आवाज नहीं आ रही। ये स्पीकर मतलब कॉलिंग लिखा रहा था, और कॉलिंग लिखा रहा था स्पीकर पे, मैंने ऑन कर रखा था बट उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। डेविल तक लगता है पहुंचा नहीं, रिंग जा रही थी, ट्रैवल करते करते रिंग जा रही थी बट देन वो वहां पहुंच ही नहीं आई वैसे। तो यार मुझे नहीं पता आप लोग क्यों बोल रहे थे ये सारे नंबर्स मिलाने को, यहाँ पे तो एक भी नंबर नहीं लग रहे, कुछ लग रहे हैं, रिंग जा रही है बट देन फिर कट हो रहा है, और उसके बाद वो बोल रहा है भाई एग्जिस्ट नहीं करता, और सबसे ज़्यादा क्रीपी नंबर तो था 666 वाला, डेविल्स नंबर वाला। मतलब उसमें तो लिटरली आपकी कॉलिंग जा रही है बट कोई रिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट देन फिर वो कट हो जाएगा। That was creepy. So that was all guys. I hope आपको आज का वीडियो थोड़ा बहुत फनी लगा हो, डरावना नहीं हो तो, क्योंकि मुझे तो बड़ा फनी लगा आज का वीडियो। हॉरर सीरीज के लायक बिल्कुल नहीं था, आप लोग ने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी थी हॉन्टेड नंबर्स के लिए, मैंने जितने मुझे इंटरनेट में मिल सकते थे मैंने उतने करे, बट अगर आप कह सकते हैं कि कोई नंबर है जो वर्क करता है let me know in the comments down below, पर मुझे अपने नंबर मत दे देना, मैं आप लोगों को फोन नहीं करूंगी। मेक श्योर कि आप एक्चुअल भूतों के नंबर डालें जो अवेलेबल हो फोन उठाने के लिए। आज के शहर जाता है बिपाशा पॉल, आर्शिया रावल, आर्ट्स एंड क्राफ्ट विद मी एंड विकास पाटिल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग माय नोटिफिकेशन स्क्वाड मेंबर। अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन शाउटआउट चाहिए तो आपको सिंपली नीचे कमेंट करना है, साथ ही साथ हैशटैग नोटिफिकेशन स्क्वाड लिख देना है। दैट्स इट, एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर थोड़ा बहुत फनी लगा हो वीडियो तो 25,000 लाइक्स तक पहुंचा देना। एंड या दैट इज इट गाइस, और सीरीज आज के साथ खत्म होती है। डिसअपॉइंटिंग था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगा था किसी का तो नंबर लगेगा बट नहीं लगा। बट इफ़ यू वॉन्ट और भी खतरनाक नंबर सो लेट मी नो, मैं ट्राई कर लूँगी। अब मैं बड़ी शूरवीर हो गई हूँ क्योंकि किसी का नंबर तो लगता है ही नहीं। सो या दैट इज इट गाइज, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है। नाउ आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।